Advisory Board, Pakistan Alliance of Independent Schools, Mohammed Jameel Najam Sahab. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sayyid Ataullah Shah Bukhari, agar kisi mehfil mein hote to agar wo pehle bol jate to baad mein aane wale sifar ho jate aur jab aakhir mein bolte to pehle sifar ho jate. Chishti sahab ki khoobsurat speech, Akil Razak sahab ka jazba, डॉक्टर गुलाम दस्तगीर साहब का मकाला, और जब मैं शकील सोमरू साहब ने आगाज किया और मेरे भाई बलोचिस्तान से आए हुए मलिक रशीद काकड़ साहब ने आगाज किया इस महफिल से, तो मैंने उन्हें कहा कि मैडम तो अब आई हैं और अब डबल मैडम हो गई हैं, तो इनकी मौजूदगी में कि क्यों ना हो कि मैं अपने इस बुढ़ापे में बैठ जाऊँ और नौजवानों की बात सुनूँ, तो आप कुछ बात कर लें. कहने लगे मेरा हवाला जरूर दे दें, और वो मैंने पूरा कर. एक अदारे के फेस बोर्ड पे लिखा हुआ था, किसी अदारे की अजमत उसकी इमारत में नहीं, किसी अदारे की अजमत उसकी इमारत में नहीं, बल्कि असातजा तलबा के करदार में मुजमिल है. तलबा का करदार और असातजा, ये सोचना होगा और गौर फिक्र नौजवान असातजा को करना होगा. आप सबके इलम में है कि महती मोहम्मद जब मलेशिया के वजीर आजम बने तो खास का इजहार किया कि असातजा की महफल प्राइम मिनिस्टर हाउस में रचाई जाए और उन असातजा को बुलाया जाए जिनके बारे में अच्छा तासर नहीं है. जब वो उस्ताद आए, बैडमिंटन खेला गया, फुटबॉल खेली गई और फिर उनके साथ मशरूबात का दौर चला, तो जब सारा दिन गुजरा तो आखिर में उन्होंने कहा आप उस्ताद हैं, आइए हम मिलके मलेशिया की तकदीर को बदलें, और वो तकदीर बदली. मेरा जो यूनिवर्सिटी से निकल के एक महफिल में हम चले और फैसला किया कि सैयद अबू अलाला मादूदी अलहरामा से मिला था, हम उनसे मिलने इच्छा चले गए. ये मैडम आप अगर स्पीच यहाँ आके कर लें तो मैं भी मुस्तफीद हो जाऊंगा, क्योंकि मैं हजारों में बात करता हूँ, अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी निगाह में सारे रहते, और जब कोई बात नहीं सुनता तो मैं कहता हूँ गुलाम फातिमा सुनो, तो मेरे सेक्टरी एजुकेशन ने मेरे कान में पूछा आप जानते हैं, मैंने कहा सारे फातिमा के गुलाम, और अगर मैं गुलाम रसूल कह दूं तो सारे रसूल के गुलाम हैं, इसलिए मेरी निगाह इस बुढ़ापे में भी सब पे रहती है. तो सैयद अव्वला मादूदी अलहरामा से हम मिलने गए तो हमने पूछा के मादूदी साहब असातजा की इज्जत नहीं. उन्होंने एक जुमले में जवाब दिया, कहने लगे उस्ताद उस्ताद बने ना, मजदूर तो ना बने, जब ये मजदूर हो गया तो फिर मजदूर से तो यही सलूक होता है. उस्ताद उस्ताद लाहौर में एक मुस्लिम मॉडल स्कूल उर्दू बाजार है, वहां से पढ़ने वाले एक शख्स का नाम शायद नौजवानों के जेनों से मैप हो गया, उन्हें डॉक्टर महबूबुल हक कहा जाता था. प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे, उनके जो वालिद
उनका बचपन था और पुराने टीन जो कनस्तर है उसकी ट्रे बनाकर उनके वालद खतानिया जिन्हें बिस्कुट कहा जाता है वो स्कूल के गेट पर बेचते। हेडमास्टर उठा के अंदर ले गया, कहा बेटे रिसेस में बेच लिया करो, उसने और पढ़ा करो। उसने पढ़ना शुरू किया, फिर उन्होंने कहा मेरे घर आ जाया करो, कुछ काम भी कर दिया करो, मैं उसका भी कुछ मुआवजा दे दूंगा। वो बच्चा घर जाने लग गया, फिर वो पढ़ा एमएससी की। उस वक्त मैथमेटिक्स के एमएससी नहीं कहा जाता था, एमए ही कहा जाता था। वो एमए मैथ करके उसी स्कूल में आके लग गए। उसी हेडमास्टर जिसने खतानियां बेचने वाले को उठाकर मैथ का मास्टर बना दिया, अपनी बेटी से निकाह कर दिया। उनकी बेटी कभी कभी स्कूल में आके दो थप्पड़ भी लगा जाती कि सब्जी भूल गए, कहते मेरे उस्ताद की बेटी है, मेरी बीवी और है लेकिन ये उस्ताद की बेटी है, ये जो मेरे साथ सलूक करे करे। वही डॉक्टर महबूबुल हक और उनके बड़े भाई डॉक्टर जहूरुल हक मेरे पंजाब यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे और मेरे लिए एजाज था। मैं अब बात को खत्म करता हूं क्योंकि वक्त मुकर्रर था। हमने कल फैसला किया कि ये टाइम तय किया जाए। यहाँ इतरत नकवी साहब भी खड़े हैं और ये जब आके माँ का की बात कर रहे थे, इनसे जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा मैं अयूब खान के दौर में कंप्रीहेंसिव हाई स्कूल मुल्तान में उस्ताद था। मैंने अयूब खान का फाल वहां देखा, या को टेक ओवर करते देखा। कहने लगे मैं उसी स्कूल का तो तालिब इल्म हूँ। तो मैंने कहा यही तो चमक मैं देख रहा हूँ। जब असनाथ कुरैशा फरमा रहे थे तो मुझे यूसुफ भट्टी साहब इनके ओल्ड स्कूल के जो जीजी खान का स्कूल था वो याद आ रहा था कि वहां भी मैं घूमता रहा। बस बात तो यूं समेटते हैं कि कुछ बच्चे खेल रहे थे तो एक आदमी ने कहा बच्चों ये चर्च कहाँ है। एक बच्चे ने कहा ये जाइए इधर जाइए, आगे सड़क मुड़िए, राइट हैंड मुड़ जाए लेफ्ट हैंड मुड़ जाए आगे चर्च आ जाएगा। वो कंफ्यूज सा हो गया आदमी। एक बच्चे ने बढ़ के कहा आइए मैं आपको चर्च का तक ले चलता। वो बच्चा चर्च तक ले गया तो चर्च के गेट पर जाके वो साहब कहने लगे बेटे तुम कितने अच्छे वालदैन और कितने अच्छे उस्ताद से पढ़े हुए हो, तुमने मुझे चर्च का रास्ता बताया, कल इस वक्त आना, मैं इस चर्च का फादर हूं, मैं तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाऊंगा। बच्चा पाकिस्तानी था, आंखें गोल मटोल के कहने लगा फादर तुम्हें चर्च का तो रास्ता आता नहीं, तुम जन्नत का क्या रास्ता दिखाओगे। आप जरा इस बात पे गौर कर लीजिए और सोच लीजिए। मैं आजकल 75 साल या इससे ज्यादा उम्र में भी असातजा की को ट्रेनिंग देता हूं और उनके मॉड्यूल डेवलप करता हूं, फारग नहीं बैठता, कोई ना कोई काम करता रहता हूं, लेते हुए दिखता रहता हूं। आज से 20 साल पहले मरी रोड पे मैं डायरेक्टर एजुकेशन था। मेरी रूह आज भी यहां है। जब मैं यहां आता हूं तो मेरे पुराने साथियों को पता चलता है तो वहां उनके चेहरे पे स्माइल भी आती है और खौफ की अलामत भी रहती है कि बंदा इधर से गुजरेगा। मैं अब इस बात को समेट देता हूं। मैडम जरा तवज्जो दें, कोई नहीं खैर है, आपको नहीं उंगली समाप्त करता। अच्छा, मैं यहां से निकला मरी रोड से,
मुझे जेलम जाना था तो रवात के करीब बारिश अचानक आई। मैंने एक टीचर को बुर्का पहने हुए या बा पहने हुए देखा, बच्चियों को देखा। मैंने गाड़ी रोक ली, मैंने कहा बेटे बैठ जाओ, मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ दूंगा। उन्होंने आओ देखा ना तो ड्राइवर ने बिठाया, पानी का एक घूंट दे देंगे, जी दे देंगे, कोई खैर। मैं उनको छोड़ने स्कूल चला गया, गेट पे हॉर्न दिया तो पीएन बाय निकला, तो उसने गेट खोलने के बजाय मैडम को बताया, और डायरेक्टर साहब की जीप आ गई थी, वो आई। वो टीचर ने भी कान खड़े किए कि ये डायरेक्टर, मैं रस्ते में इसको क्या कहती है। उसने मुझे रस्ते में जो कहा वो मेरे सीने का तमगा बन गया। उसने कहा जी आप कितने अच्छे ऑफिसर हैं, सरकारी जीप है, हम बैठ गए, आप हमें छोड़ने आए, हमारा डायरेक्टर बड़ा कपटता है। नहीं तो इस बारिश में कोई जालिम घर से निकलता, उसका खौफ ही इतना है। जब मैं अंदर गया तो उस टीचर को बुलाया, मैंने कहा बेटे अटेंडेंस लगाओ, लेकिन यही हज्जाज में यूसुफ को भी किसी ने कहा था कि तुम अल्लाह का कहर हो। मैंने कहा बेटे आपकी सलाह के लिए है। फिर वो टीचर कभी हेडमिस्ट्रेस हुई तो मैं फिर कोर्स में वो मिली, कहती सर मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो आपको मिली थी। मैंने कहा आपकी बात मुझे नहीं भूल पाए। आइए हम अपनी कौम के लिए जिए, कौम के लिए मरे, हम अपने अंदर का उस्ताद जिंदा करें, हम एहसास बन जाएं, हम इस कौम का कर्ज वापस करें। मैं वापस नहीं कर सका, आप वापस कर। मैं इसलिए लफ्ज के कह रहा हूं कि मैं अपनी मां का सफेद बुर्का पकड़कर दरिया सतलुज के किनारे खड़ा था जब पाकिस्तान बन रहा था। आप इससे अंदाजा कर लें, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद वो बच्चा मर जाएगा जो 1947 में पैदा हुआ था या इससे पहले पैदा हुआ था। उसे क्या मालूम कि ये मुल्क कैसे बना। मैं एक किनारे पे रहा, मेरी माँ अपने मेरे बड़े बहन भाइयों के साथ दूसरे किनारे पे कश्ती पे चली गई। मेरे वालिद ने मुझे पकड़े रखा, कश्ती वाले ये कहते रहे कि अम्मां बैठ जाओ, कश्ती डूब जाएगी, बाप के पास बेटा है, आ जाएगा। जब तक मैं दूसरे किनारे पे नहीं पहुंचा मेरी माँ रोती रही। इस मुल्क की बुनियादों में मेरी माँ के आंसू हैं, आइए उन आंसुओं को जानिए, उन आंसुओं की कदर कीजिए और इस मुल्क को निखारिए। आप और मेरे ऊपर भारी जिम्मेदारी है। अल्लाह आपका हामी नासिर। खड़े हो गए, मगर खास पर जो हुई इसको खा दीजिए।